विविधाधारण व्रत अथवा उक्त मंत्रों में अन्य आश्रमों की विविधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे संविधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही मानना है, माना गया है। व्याख्या, जैसे सुदद नीचे संविधा धारण करके अनुद्रवण करे किंतु देवताओं के लिए ऊपर धारण करे, इस वाक्य में सुदरण के अधो भाग में संविधा धारण की विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर ऊपर धारण की क्रिया को अपूर्व होने के कारण वह विधि मान लिया गया है। उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुति में जो चारों वर्णों का सांकेतिक वर्णन है उस अनुवाद न मानकर विधि स्वीकार करना चाहिए। दूसरी श्रुति में आश्रमों का विधान करने वाले वचन स्पष्ट मिलते हैं तथा यथार्थ ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ को वानप्रस्थ होकर उसके बाद सन्यासी होना उचित है। अथवा तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकार से ब्रह्मचर्य से गृहस्थ से या ब्रह्मवानप्रस्थ से सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यास ले लेना चाहिए। इसी प्रकार अनन्याय श्रुति में भी आश्रमों के लिए विधि देखी जाती है। अतः जहाँ केवल सांकेतिक रूप से आश्रमों का वर्णन हो वहाँ संकेत से ही उसकी विधि भी मान लेनी चाहिए। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म त्याग का निषेध करने वाली जो श्रुति है वह कर्मासक्त मनुष्यों के लिए ही है, विरक्त के लिए नहीं। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। संबंध पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई। अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके इस विद्या कर्मों का अंग नहीं है यह सिद्ध करने के लिए उपदेश से अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।